हेलो फैन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले वाइब्रेट ऑन रिंग के बारे में, जैसे कि हम वाइब्रेट ऑन रिंग सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फैंस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल लाइक कर दीजिए। फैन, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेट वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप आपको देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वाइब्रेट ऑन रिंग। तो इसको राइट साइड से ऑन करेंगे और आपका ये ऑन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप इसे ऑन कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आप, मैं बताता हूँ, जैसे कि आपके फ़ोन में रिंगटोन बजती है तो आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा, इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो एक और तरीका है मेरे पास, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पर यहाँ से ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और भी सेटिंग है, जैसे कि हैप्टिक्स एंड टून्स। इसमें आप सिस्टम हैप्टिक्स को ऑन करेंगे, इससे क्या होता है, जैसे कि इसमें डायल पैड ट्यून है, डायल पैड ट्यून को ऑन करेंगे और आपके फ़ोन में जो डायल पैड होता है उस पर कोई भी नंबर वगैरह डायल करें तो यहाँ पर एक साउंड आएगी। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फैन, वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।